सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, अगर आप लोग के पास भी क्रेडिट कार्ड है, कोई सी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, वो जो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग जो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना चाहते हो, बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग भी यहाँ पर जो ये सोच रहे हो कि क्रेडिट कार्ड का पैसा निकालने से चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, और हम निकाल कैसे सकते हैं क्रेडिट कार्ड का पैसा, वो भी डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत ही कम चार्ज आपको लगेगा और बैंक अकाउंट में आप जो है क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिया ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन, आपको जो है साइड में शो होगी दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको क्रेडिट कार्ड से जो है किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड रहे दोस्तों, वो जो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्रेडिट कार्ड से जो है आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वही मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए और जो है आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो सबसे पहले आप लोग को जो है यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है मोबीक्विक एप्लीकेशन, ठीक है। मोबीक्विक एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोडिंग कर लेना है। डाउनलोडिंग जैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो है ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग क्या करना है कि जैसे आप डाउनलोडिंग कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे होम पेज आएगा, आपको मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मोबाइल नंबर डाल के जैसे फोन पे गूगल पे पेटीएम चालू करते हो दोस्तों, वैसा ही यहाँ पे प्रोसेस रहता है। तो वैसा ही तरीके से उसी तरीके से आप लोग जो इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे जो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, तो आप लोग अगर वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की साइड में मोबीक्विक वॉलेट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग जो डायरेक्ट वॉलेट में भी ऐड कर सकते हैं मोबीक्विक के, और बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का पैसा। तो मैं बताता हूँ आपको बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो वॉलेट में अगर ऐड करना चाहते हैं किसी भी रीजन वाइज, तो यहाँ पर जो ऐड मनी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। एड मनी के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग को अपना अमाउंट एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे को जो है यहाँ पे एग्जांपल के लिए 500 रुपए ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्रेडिट कार्ड आ जाएगा और जो भी डेबिट कार्ड या जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप लोग का जैसे कि मेरा यहाँ पे SBI बैंक और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जो है पहले से इसमें लिंक है, तो यहाँ पे मैं जो है आपको बताता हूँ कि आप जो है डायरेक्ट आप कैसे जो है बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर होम पेज में आते हैं तो सी ऑल सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। सी ऑल सर्विस का ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे की साइड में जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड मनी वॉलेट के बाजू में, यहाँ पर जो आप लोग को कार्ड टू बैंक ट्रांसफर, ठीक है। तो कार्ड टू बैंक ट्रांसफर जो मिल रहा है दोस्तों, इस पे आपको क्लिक कर देना है। कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग जो फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पर जो है ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना रहेगा। ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोग को जो बेनिफिशियरी नेम डालना है, जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर खुद के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो खुद का नाम ऊपर में डालना है। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद IFSC कोड डालना है बैंक का जो भी रहता है। तो मैं यहाँ पर जो पहले से मेरा बैंक अकाउंट लिंक है दोस्तों, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपका नाम आ जाएगा और आपका जो है यहाँ पर IFSC कोड दिखा दिया जाएगा, कौन सा बैंक है वो भी यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पे मांगा जाएगा कि आप पैसा कितना विड्रॉल करना चाहते हैं अपने कार्ड से बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे मुझे 1000 रुपए पे करना है, मतलब क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो 1000 यहाँ पर जो ट्रांसफर करिएगा तो यहाँ पर देखिए कन्वर्सन फीस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। कन्वर्सन फीस ये कितना ले रहा है, 1000 अगर आप लोग ट्रांसफर करते हैं दोस्तों तो ये 40 रुपए आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 40 रुपए आपसे चार्ज करेगा, 40 से 41 रुपए ये चार्ज लगता ही है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोग पैसा बैंक में ट्रांसफर करिएगा तो ये जो चार्ज लगेगा, तो मैंने अगर आप लोग चाहते हैं कि पिछले वीडियो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप लोग का चार्ज नहीं लगाना चाहते हैं तो पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं मेरी वन कार्ड वाली, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे जो है आप उस वीडियो में 0 ही चार्ज जो है आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का पैसा, ठीक है। लेकिन मोबीक्विक से करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर जो आप लोग 1000 रुपए टाइप करते हैं, ये जो तीर का आइकन मिल रहा है इस पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे पे का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कर देना है। पे के ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कार्ड डिटेल या पे मेथड, मतलब पे कर अमाउंट जो भी रहता है यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, कौन सी पेमेंट मेथड से आप बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मोर पेमेंट ऑप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको जो है ऐड बैंक अकाउंट ऐड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड यूपीआई का भी। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में लिखा गया ऐड न्यू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आते तो फर्स्ट टाइम में आपको कार्ड नंबर डाल देना, कार्ड नंबर आप जैसे डालते हैं दोस्तों, कार्ड नंबर के बाद एक्सपायरी मंथ ईयर डाल देना है, सीवीवी नंबर डाल देना आपको, ठीक है। सीवीवी जैसे नंबर आप डाल के यहाँ पे वेरीफाई करते हैं दोस्तों, वैसे आपके जो है बैंक अकाउंट पे मैसेज जाता है, मतलब जो भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके मोबाइल नंबर पे आपको जो है मैसेज जाएगा, वन टाइम ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप जैसे डाल के वेरीफाई करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो मैं 1000 रुपये यहाँ पे डाला हूँ, एक्सिस बैंक में क्लिक करता हूँ, फिर सीवीवी नंबर में डाल देता हूँ, जो भी इसका सीवीवी नंबर है मैं डाल के यहाँ पे करता हूँ। तो पे करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो है रीडायरेक्ट कर देगा एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे, और एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा कि कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, आपके सामने। तो जैसा कि यहाँ पर एक्सिस बैंक के पास मैसेज गया है, तो जैसे एक्सिस बैंक का ओटीपी हम इसमें डालेंगे दोस्तों, तो ओटीपी यहाँ पर डाल के हम सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेरा पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड से मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और 1038 रुपये यहाँ पे चार्ज है, तो 38 रुपये चार्ज 1000 रुपये मेरे बैंक में चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि इतना सिंपल है यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर करना दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक्सिस बैंक का ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी डाल के आप जैसे कंटिन्यू करते हैं आपका जो है सक्सेसफुली जो है मनी विड्रॉल हो जाएगा, मतलब क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मैं जो है बहुत बार किया हूँ और आप लोग को अपने जो है एक्सपीरियंस की बदौलत ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं जो है बैक आ जाता हूँ, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, और भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हो मुझे कॉमेंट में बताइए, मिलते किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।